दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा कि आप कैसे इंजन ऑयल की डीलरशिप ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं इंजन ऑयल के, आप उनकी डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। हम मार्केट में जानते हैं कि बहुत तरह के मार्केट में इंजन ऑयल के ब्रांड्स हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करूँगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डीलरशिप होती है, अगर आपको किसी भी इंजन ऑयल कंपनी की मिल जाती है तो आप उससे वहाँ पे अच्छा पैसा अपने एरिया के अंदर कमा सकते हो। हाँ दोस्तों, क्योंकि हर मोटर व्हीकल्स के अंदर या आप कार हो या ट्रक हो, सबके अंदर इंजन ऑयल डाला जाता है और वो टाइम के बाद टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है पर किलोमीटर पर। तो दोस्तों जो हर किलोमीटर पर जब इंजन ऑयल को चेंज किया जाता है, उसकी डिमांड मार्केट के अंदर बहुत है। आज के टाइम में हर किसी के पास मोटर व्हीकल और कार, बाइक तो सभी के पास आपको मोस्टली मिल जाएंगी, और कार्स भी ज़्यादातर लोग रखते हैं आज के टाइम में। तो मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इंजन ऑयल की। तो आप उसकी एक डीलरशिप अगर ले लेते हैं अपने एरिया के अंदर, तो आप वहाँ पर एक बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। तो डीलरशिप लेने के लिए आपको GST नंबर्स, आपका जो ट्रेडमार्क या आपने कंपनी, आपने जो भी आपने कंपनी दुकान जिस नाम से रजिस्टर्ड कर रखी है, उसके बारे में आपके पास पेपर्स, नॉर्मल पेपर्स जो होते हैं वो, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ पर आपका स्पेस है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कंपनी की वेबसाइट के लिंक्स भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आके जो डिमांड्स होती है वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ खर्चा, दोस्तों हाँ खर्चा आपको 4 से 6 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, वो सिक्योरिटी के रूप में कंपनी को देना होता है। हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी भी कंपनी के डीलरशिप में आप ज्वाइन करते हैं तो पहले कंपनी पास करती है, उसके बाद वो उनका एक रीजनेबल अमाउंट होता है जो सिक्योरिटी के रूप में वो रखते हैं। जब तक भी आप कंपनी के साथ काम करेंगे तब तक वो पैसा आपको सिक्योरिटी के रूप में उनके पास सेफ रहता है। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं मिलती, बट आपको डीलरशिप मिलना ही एक मेन जो आपका फोकस रखना चाहिए आपका, आपको अपने एरिया में आपका उसकी बड़े बड़े ब्रांड्स कंपनी की डीलरशिप मिल जाए। बिकॉज अगर डीलरशिप आपको मिल जाती है तो वहाँ से आपको पैसा कमाने का रास्ता भी आराम से बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपके एरिया के अंदर कई ज़्यादा डीलरशिप वाले हैं व्यक्ति, या आपसे थोड़ा एरिया में आस पास ज़्यादा लोग हैं डीलरशिप के, तो आपको भी थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ जाता है। तो दोस्तों आपको बिकॉज कि ना एरिया वाइज डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितने ज़्यादा लोग हैं जो डीलरशिप में ज्वाइनिंग हो रखी हैं, तो उसके बिहाव पर आपके जो सिक्योरिटी का अमाउंट भी वहाँ पर डिसाइड किया जाता है। अगर आपके एरिया में कम लोग हैं और वहाँ पर रिक्वायरमेंट है डीलरशिप की, तो वहाँ पर आपको जो प्राइस है वो आपका कम हो सकता है, मिनिमम 4 लाख का भी आपका डीलरशिप ओपन हो सकता है। दोस्तों अगर आपके पास डीलरशिप मिल जाती है तो आपको इंजन ऑयल पर कितना परसेंट का कमीशन आपको देखने को मिलता है? हाँ दोस्तों, मिनिमम 15% और 15% से 30% का आपको कमीशन आपको आराम से देखने को मिलता है, और हर आइटम्स के ऊपर अलग अलग तरह के कमीशन आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जब आपको डीलरशिप मिलेगी तो आपको 17 के जो कंपनी के आइटम्स आपको पास ऑटोमेटिक आपको मिल जाते हैं। बट अगर आप कोई स्टोर चला रहे हैं और आप चाहते डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स होती है वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर आप जो डीलर होते हैं उनसे बात कर सकते हैं और उनसे एग्रीमेंट साइन करवा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो आपको जो भी ऑयल्स के ऑयल्स होते हैं, जितने भी जिस ब्रांड की कंपनी आप डिस्ट्रीब्यूटर ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपको वो दे देंगे, और उस पर आपको जो कमीशन होता है 12 से लेके 20% का कमीशन आपको आइटम के ऊपर देखना पड़ता है। हाँ दोस्तों, जो डीलरशिप होती है उस पर आपको ज़्यादा कमीशन देखने को मिलता है, और वहाँ पर आप अच्छे पैसे मार्केट से कमा सकते हो। बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, और जो डीलरशिप होती है वो आसानी से हर किसी को नहीं मिलती। अगर आपको मिल जाएगी तो आपका पैसे कमाने का रास्ता आपको ऑटोमेटिक दिखने लगता है। तो दोस्तों जो डीलरशिप होते आसानी से हर किसी को नहीं मिलती है, तो आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो डीलरशिप को लेना होना चाहिए, और उसके बाद भी आपने अपने कई तरह के सोर्सेज आप जनरेट कर सकते हो। और दोस्तों जो भी डीलरशिप के जो भी रूल्स और एग्रीमेंट्स होते हैं, अगर होंगे उनके लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, बाकी आप आसपास भी मतलब वीडियोज़ में देख सकते हैं कि मैंने कई लिंक्स लगा रखेंगे, बट आपको जो उसके प्रोफेशनल लिंक्स होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कंपनी से रिगार्डिंग कौन कौन सी इंजन कंपनी की कैसे कैसे उनके डीलरशिप के लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आपको डीलरशिप मिल जाती है तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं मार्केट के अंदर इंजन ऑयल को बेचकर, और उस पर अच्छा परसेंट ऑफ द कमीशन कमा सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी की डीलरशिप मिलना इतना आसान नहीं होता है, बट आपको उनके नॉर्मल फॉर्म जो फॉर्म्स हैं और बाकी जो मनी है, और आपको अपना स्पेस भी दिखाना होता है, सब कुछ मतलब कि आपको वहाँ पर प्रोफाइल को पिक करके भेजना होता है, आपको अच्छे से एग्रीमेंट और उसके पेपर्स बनाने होते हैं, तभी आप उसको ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कोई भी समस्या तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।